आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, ये मोस्ट यूजफुल क्लासेस होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ऑफ एल्काइन हैलाइड्स, जिसमें हैलोजन जो होता है ये आपका बॉन्डेड होता है टू डैश हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, की आपसे पूछा गया राइट। सो बच्चों देखो, आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। सो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये बेसिकली रिएक्ट करता है हेलो एल्केन के साथ राइट। न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये आपका रिएक्ट करता है कोई भी, सपोज कर लो हमने हेलो एल्केन ले लिया होता टाइप, सपोज कर लो इस टाइप का मेरे पास क्या हेलो एल्केन, इसके साथ रिएक्ट करता है इन विच इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हैलोजन। आपको पता है कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं कार्बन से, सो हैलोजन पे तो नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा राइट। और यहाँ से ब्रोमीन जो है वो बेसिकली आपका क्या बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ से इस टाइप से क्या होती है रिएक्शन जो होती है वो मेरे पास क्या है टेक प्लेस करती है और आपका बी आर नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाता है राइट। क्योंकि यहाँ पर जो हैलाइड हैलोजन एटम होता है वो आपका एक्ट करता है एज अ हैलाइड आयन की तरह, आपका लिव कर जाता है राइट, वो एक अच्छे एक क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है राइट। सो सिंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि इनिशिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द बाय द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल क्लास होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिसमें हमारे पास जो कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिससे आपका आपका हैलोजन अटैच्ड हो, यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है। सो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो आपका sp3 होता है। सो मतलब बेसिकली यूजली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की उन केसेस में जिसमें हैलोजन जो है sp3 कार्बन से अटैच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।